नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम घर से बाहर हैं इसलिए पीछे का बैकग्राउंड ऐसा आपको दिख रहा है। कुछ दिनों के बाद बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, लेकिन मसला क्या है, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट लोन सेटलमेंट के नाम पर केनरा बैंक, सबसे बड़ा बैंक जो कहा जाता है सरकारी बैंकों में, केनरा बैंक के अधिकारियों ने सातिर अपराधियों के साथ मिलकर के मुजफ्फरनगर के व्यापारी और उसके भतीजे के साथ 25 लाख रुपए की ठगी की है, वो भी एक सेटलमेंट के नाम पर। मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको बताता रहता हूं कि बैंक किस तरीके से ठगी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि बैंक ऐसा क्यों करेगा। मामला कुछ मुजफ्फरनगर से आया है, जहां पर जैन परिवार के दो सदस्यों के साथ पूरे 25 लाख रुपए की ठगी की गई है, और इस ठगी में केनरा बैंक के रीजनल मैनेजर के साथ साथ लोकल मैनेजर और कुछ रिकवरी एजेंट के नाम पे अन्य सातिर अपराधियों ने ठगी की है। मामला कुछ ये है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले जैन परिवार के दो लोगों ने, यानी चाचा और भतीजे ने, मैं यहाँ पे नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन आप जा कर के इस रिपोर्ट को गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, और इसका अगर कहीं भी पब्लिकेशन होगा तो भी ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर परिवार के जैन सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की गई है, और बहुत ही प्रख्यात बैंक के रीजनल मैनेजर, केनरा बैंक को मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि केनरा बैंक के रीजनल मैनेजर और कुछ अन्य लोगों ने अपने आप को रिकवरी एजेंट बता करके 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामला कुछ ये है कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले व्यापारी जैन और उनके भतीजे ने लिमिट बनाई हुई थी, यानी कि सीसी लिमिट बनाई हुई थी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की, लेकिन उनका व्यवसाय नहीं चला, उनकी लिमिट ख़राब हो गई, उनका अकाउंट एनपी हो गया। अब उसके संदर्भ में जो रिकवरी एजेंट उनके दरवाजे पे आते थे, उनको धमकी देते थे, तो अब इसमें जो जैन बंधु हैं या चाचा भतीजे हैं, इन लोगों ने सोचा कि चलो हम कहीं ना कहीं इसका सेटलमेंट करा लें। तो सेटलमेंट के नाम पर बैंक के जो रीजनल मैनेजर हैं और साथ ही साथ जो लोकल मैनेजर हैं, उनके साथ साठ गांठ करके उन अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए में सेटलमेंट करने का तय किया सौदा, और उसके बाद उन लोगों को एक जगह बुला करके सामने बातचीत करके पहले तो उनसे 25 लाख रुपए ऐंठ लिए, और उसके बाद फर्जी एक बिल बना करके उनको दे दिया गया। कहने का मतलब है कि 25 लाख रुपए के अगेंस्ट में उनको एक फर्जी बिल थमा दिया गया, और उसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लेकिन जैसे ही अगले दिन या कुछ दिनों के बाद जैन परिवार के सदस्य यानी कि व्यापारी जब गए ब्रांच में और उन्होंने उस रसीद को दिखाया, तो वहाँ पर ऐसी रसीद की कोई एंट्री नहीं थी, यानी कि उस 25 लाख रुपए के ब्यौरे का कोई भी विवरण वहाँ पर नहीं था। जब इस बात का उनको ज्ञान हुआ कि उनके साथ 25 लाख रुपए की ठगी हो गई है, तो उन्होंने कोतवाली में जाकर के, अपने शहर कोतवाली में जाकर के, वहाँ पे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, और जब इस मामले की छानबीन की गई तो यहाँ पे परत दर परत बातें निकल कर के सामने आती गई कि यहाँ पर जैन परिवार के व्यापारियों के साथ 25 लाख रुपए की ठगी की गई है लोन सेटलमेंट के नाम पर। लेकिन यहाँ पर दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, रिकवरी एजेंट के नाम पे अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आता है, तो आप उसके ऑथोराइज लेटर, आप उसके विजिटिंग लेटर और आप उसके आई कार्ड को ज़रूर चेक करिए। इसको चेक करने में पैसा नहीं लगता है, इससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। साथ ही साथ सेटलमेंट बहुत ही हड़बड़ी में मत करिए। देखिए, अगर आपको बैंक से ज़्यादा छूट मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ या फिर कहीं ना कहीं कुछ छुपा होता है, जो कि आपके साथ अनहोनी हो सकता है। आजकल सेटलमेंट के नाम पे बहुत सारी ठगी हो रही है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसमें एक सरकारी बैंक के अधिकारी संलिप्त हैं और इसमें सरकारी बैंक का नाम आ रहा है। मुजफ्फरनगर का ये मामला है,
और यहाँ पर ये जो मामला है हम आपको बता दें कि इसमें जो नाम है वो है राजकमल जैन और उनके भतीजे गौरव जैन के साथ ये घटना घटी है और उन्होंने बरेली निवासी सातिर अपराधियों में अंकित अजमुद्दीन निमेश सिंह उर्फ अनिमेश जो कि बैंक के रिकवरी एजेंट के रूप में उनके दरवाजे पे आते थे और उनसे बातचीत करते थे और यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए के लिमिट को 2 करोड़ रुपए में सेटलमेंट की बात कही गई और 25 लाख रुपए उनसे एडवांस लिया गया और उस 25 लाख रुपए लेने के बाद उनको फर्जी रसीद थमाई गई और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। जब इसके बारे में वो गए अपने नज़दीकी शाखा में और वहाँ पर उन्होंने बाकी के पैसे को जमा करने की बात कही तो उनसे उस 25 लाख रुपए के रसीद को मांगा गया। फिर उस रसीद को जब उन्होंने देखा तो उसका बैंक के रिकॉर्ड में कहीं कोई एंट्री नहीं थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके पश्चात उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया और इसकी छानबीन हुई, तफ्तीश हुई और इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी चल रहा है मार्च का महीना और इस मार्च के महीने में आपको बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आपको बैंक के बाहर आएंगे कि हम आपको यहाँ मिल लेंगे, वहाँ मिल लेंगे, आप इतना एडवांस दे दीजिए, आपका सेटलमेंट बहुत कम में कर देंगे। OTS के नाम पे आपके साथ जालसाजी हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी सेटलमेंट होगा उसका एक एग्रीमेंट बनेगा, उसमें एग्रीमेंट में क्या होगा कि उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, वो एग्रीमेंट आपके सामने तैयार होगा और फिर आप उसको जेन्युइन तरीके से मान सकते हैं। लेकिन अगर बैंक बाहर यानी कि बैंक के अधिकारी आपको बैंक के प्रीमाइस के बाहर, अपने चैम्बर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, बैंक के बाहर कहीं भी बुलाते हैं किसी अन्य जगह पे और वहाँ पर सेटलमेंट की बात करते हैं तो आप सेटलमेंट मत करिए। पैसे को देने के लिए आप हमेशा इंसिस्ट करिए कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूंगा या DD बना के दूंगा, जिसका कि आपको सबूत रखना है, नहीं तो आपके साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, चौकन्ने रहें, नहीं तो बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, पैसा 2 मिनट में आपका चला जाएगा, फिर आपका पैसा रिकवर होने में समय लगेगा लेकिन आप उतने दिन के लिए परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपके रिश्तेदारों ने भी अगर लोन लिया है तो उनके साथ भी फ्रॉड ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।